देखो बच्चों, अब जो हम यहां पर क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का दूसरा वीडियो है, ठीक है। तो यहां पर थोड़ा सा डील करेंगे, तो इस चीज को समझिएगा। सभी को मेरा राम राम। तो यहां पर पिछले पार्ट में मैंने बेसिक जो इंट्रोडक्शन है वो सारा उसमें मतलब समझाया है आपको। तो पहले इस पार्ट को देखने से पहले आप उस पार्ट को देखें तो ज्यादा अच्छी तरीके से आपको क्लियर होगा, ठीक है बच्चों। और बस मेरी ये विनती है कि आप लोग जो है बस मेरे साथ बने रहें। मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ जनवरी तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। तो बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए मुझे, ठीक है। तो चलते हैं आगे। अब देखिए, ऑपरेशन ऑन ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक। पिछले वीडियो में मैंने आपकी जो पावर्स वाले क्वेश्चंस हैं वो कराए हैं, आयोटा वाले क्वेश्चन कराए हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में ऑपरेशन कैसे होता है। ऑपरेशन का मतलब बेटा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो सपोज मान लो एक Z1 एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारा 3 + 2, डेटा के साथ बात करते हैं ना। और दूसरा Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है 5 + 4 आयोटा। सपोज ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, दो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है। अब इसमें ये वाला पार्ट रियल है, ये इमेजिनरी है, पता ही है आपको, ठीक है। अब आप क्या करोगे, एडिशन करोगे। पहला ऑपरेशन क्या है, एडिशन। तो एडिशन कैसे होता है बच्चों, ध्यान समझिएगा। अभी इसके बेसिस पे कुछ प्रॉपर्टीज भी होंगी, जैसे कॉमोटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, ये सारी प्रॉपर्टी है, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम समझ लेते हैं कि एडिशन कैसे होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का। जरा देखिए, जरा ये दो नंबर को मैंने क्या करा, सिंपली लिख दिया। अब आप एडिशन इस तरीके से करेंगे कि ये नंबर इस नंबर के साथ ऐड हो जाएगा तो कितना होगा, 8 हो जाएगा, और ये दोनों नंबर इसके साथ ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 आयोटा हो जाएगा। यानी कि ये जेड जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर आया वो ये आपका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। चलो, तो ये समझ में आ गई। अब अगर हम इसका स्क्रीनशॉट लें, ठीक है, और अगर हम माइनस की बात करें बच्चों, सब्ट्रैक्शन सेकंड पॉइंट, तो अब आपको बस कुछ नहीं करना, आपको बीच में माइनस लगा देना है, ठीक है। आपको बीच में माइनस लगा देना है और इसको ब्रैकेट में लिख देना है, ठीक है। तो देखो माइनस कैसे होगा, वही हमारा सेम कंसेप्ट। ये माइनस हो गया 5, ये माइनस का 4 आयोटा। जो हमारा माइनस रियल मतलब जो रियल रियल पार्ट है उसके साथ डील करेंगे, और जो इमेजिनरी इमेजिनरी है उसके साथ डील करेंगे। इसका मतलब ये है, ये देखो एक फैमिली है गधा गधा, ये घोड़ा घोड़ा, अलग फैमिली, तो अलग अलग फैमिली डील करेंगे। तो 3 - 5 - 2, 2 में से 4 जाएगा -2, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहां पर ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में हो गया, ये रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। अब मल्टीप्लीकेशन की अगर बात करते हैं तो क्या है हमारा, सिंपल है मल्टीप्लीकेशन। तो जैसे नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन आप करते हैं वो देखेंगे। तो जैसे कि मान लीजिए एक Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है, आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, कोई भी रियल पार्ट से मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा 6 और ये जाएगा 4 आयोटा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये एक नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन हो गई। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लीकेशन कैसे होगी, जरा देखिए। मान लीजिए ये 2 ले लीजिए और ये 3 ले लीजिए, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे इसे Z1 * Z2, दो नंबर की, ये कुछ नहीं है तो इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन ही है, ठीक है। इसको लिखेंगे 3 + 2 आयोटा और इसको लिखेंगे 2 + 3 आयोटा, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट बच्चों, इसमें कोई संख्या, एक काम करते हैं, थोड़ा सेम सेम लग रहा होगा आपको, यहाँ पे 5 कर लेते हैं, कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब मल्टीप्लीकेशन देखिए कैसे करते हैं। नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन जैसे आप ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते हैं वैसे मल्टीप्लाई करेंगे। 3 पहले लिखेंगे रियल पार्ट को और इसको एज इट इज लिख देंगे हम पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर को। यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट को लिखेंगे और इसको पूरा एज इट इज नोट कर देंगे, ठीक है बच्चों, यहाँ तक तो कोई डाउट। अब हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इस पूरे में करेंगे, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा आपका 15 आयोटा, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 4 आयोटा, ठीक है। और देखो आयोटा 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 स्क्वायर और उसकी वैल्यू -1, 5 * 2 = 10 माइनस आ गया, ठीक है। अब देखो 6 - 10 कितना हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, और 15 + 4 कितना हो जाएगा, 19 आयोटा, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट बच्चों, ये चीज़ें मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होंगी आपको। ये नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन हो गया, ठीक है। अब अगर हम डिवीजन की बात करें तो डिवीजन में क्या होता है, डिवीजन में कुछ कंसेप्ट आता है, ठीक है। तो उसको समझते हैं पहले, पहले इक्वलिटी कर लेते हैं फिर डिवीजन सीखेंगे, जरा इतना समझिए। अब देखिए जरा, मैंने दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, जैसे कि मान लीजिए एक मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया आपका, कौन सा कोई भी एक एग्जांपल ले लो। जैसे कि मान लो मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया भाई a + iota b, और b मैंने दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर नंबर लिया x + iota y, है ना। मैंने कहा दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं, तो वो इक्वल होंगे तो क्या होगा उसी कंडीशन में, ऐसी कंडीशन में होगा जो हमारा रियल वाली वैल्यू है वो रियल के इक्वल हो जाएगी,
और जो इमेजिनरी वाली वैल्यू है वो इमेजिनरी के इक्वल हो जाएगी। तो ये इसका कंसेप्ट कहता है, यानी कि यहाँ पर देखो रियल ऑफ जेड जो होगा वो ए हो जाएगा और बात करें इमेजिनरी ऑफ जेड जो होगा वो बी हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम दो मतलब प्योरली जो रियल पार्ट है वो रियल के इक्वल होगा और जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी के इक्वल होगा। यानी कि सारी मतलब इक्वलिटी का कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया बच्चों। तो यहां तक मेरे ख्याल से चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अब जो है हम क्या करते हैं, डिवीजन को देखते हैं। तो डिवीजन को करने से पहले डिवीजन का नाम यहां पर जो है मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या बोलते हैं इसको, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, अब ये फाइंड करते हैं हम यहां पर। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो अब जरा इसको स्क्रीनशॉट लें फिर हम आगे चलते हैं। क्या है बेटा डिवीजन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, थोड़ा सा समझेंगे, थोड़ा सा जानेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन को लेते हैं और उसके बेसिस पे हम डील करते हैं तो हमें ज्यादा अच्छी तरीके से क्लियर होगा। तो मैंने लिया एक जेड कॉम्प्लेक्स नंबर 2-3i। अब उसने कहा कि इसका डिवीजन निकालो, मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालिए। ठीक है, इनवर्स निकालिए। अब आप इसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे तो देखो इसके अंदर दो टर्म इंट्रोड्यूस होती है। एक पहली टर्म आती है हमारा कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट। ठीक है, और दूसरी टर्म आती है मोडुलस, मोड्यूलस। ठीक, ये दो टर्म है जिसको आपको समझना पड़ेगा कि ये क्या है। ये दोनों टर्म यहां पर इंट्रोड्यूस होती है, तो इस चीज को प्लीज आप लोग जो है समझें जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो देखो जैसे एक हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा बी, अगर मैं इसका कॉन्जुगेट निकालूं तो कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट को जेड बार से डिनोट करते हैं। और हम क्या करते हैं ऐसी सिचुएशन में, जो हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है उसकी साइन को चेंज कर देते हैं। अगर ये प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, अगर ये माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। समझ गए यहां तक बात? तो ये हमारा क्या हो गया, कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, यहां तक मेरे ख्याल से चीजें क्लियर हो गई होंगी मैंने जो अभी आपको समझाई। अब उसके बाद बात करते हैं मोडुलस, क्या करें मोडुलस बात करते हैं। तो मोडुलस को मोड जेड से डिनोट करा जाता है और मोडुलस का जो फॉर्मूला होता है वो ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर, यानी कि यहां पर हम लिख दें रियल पार्ट रियल ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी ऑफ जेड का स्क्वायर, यही आपका मोडुलस होता है। इसे मोड जेड से, और एक हमारा रिप्रेजेंटेशन है आर, उसको आगे देखेंगे हमारा जब आर्गन प्लेन में रिप्रेजेंट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को, या फिर इलर्स थ्योरम में तो वहां पर सॉरी पोलर फॉर्म में तो वहां पर हम समझेंगे। तो मोड जेड को हम आर से डिनोट कर देते हैं या फिर मोडुलस को जेड से, मोड जेड से डिनोट करते हैं। तो ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम जरा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालते हैं बच्चों। ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट लें। अब देखिए जरा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला, सबसे पहले मैंने आपको कहा कि आप क्या करें, आप जो है सबसे पहले निकालें कॉन्जुगेट ऑफ द नंबर। ठीक है, तो कॉन्जुगेट क्या होगा, जेड बार होगा। ठीक है, वो क्या होगा, 2+3i होगा, सिंपल सा लॉजिक है। और अगर हम मोडुलस निकालेंगे तो मैंने कहा था रियल वाले पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर कर दो, है ना, तो कितना आ जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 9, 9 4 13। यहां तक कोई डाउट बच्चों? मेरे ख्याल से ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए जरा ये आ गया। ठीक है, तो यहां पर जो हमारा जो डिवीजन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, मतलब उसे जेड इनवर्स से डिनोट करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को, वो क्या होता है फॉर्मूला, जेड बार अपॉन में मोडुलस का स्क्वायर, है ना। तो अब मोडुल जो जेड बार मतलब कॉन्जुगेट जो है 2+3i हो गया, सॉरी आयोटा हो गया। उसके बाद मोडुलस की वैल्यू जो है हमारी क्या आई है, √13। तो √13 का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो यहां पर कितना आएगा, 2+3i अपॉन में 13। तो इसे क्या लिखेंगे, 2/13+3i/13। ये एक आपका कंसेप्ट हो गया। या तो आप इस तरीके से कर ले इसको, या फिर आप इस तरीके से करें। देखो डिवीजन का मतलब जेड इनवर्स, मतलब 1/z, भाई 1/z तो लिखोगे डिवीजन में, और 1/z का मतलब कैसे लिखते हैं, जेड इनवर्स में लिखते हैं। अब यहां पर भी क्या लिखोगे इसको, 2-3i लिखोगे। ठीक है, अब जब कभी भी ऐसी सिचुएशन आई तो इसे क्या करते हैं, रैशनलाइज। ठीक है, 3+i और 3 माइनस, सॉरी माइनस को चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो ऊपर क्या हो गया,
ये आ गया आपका। अब देखो ये a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है यहां तक कोई डाउट? तो ये कितना आ गया 2 प्लस 3 आयोटा आ गया, है ना, और इसका स्क्वायर कितना होगा 4 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर कितना होगा 9 हो जाएगा, और आयोटा स्क्वायर देखो आयोटा का भी स्क्वायर है, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, यानी कि 2 बाई 13 आ गया और आपका 3 आयोटा बाई 13 आ गया। आप इस तरीके से भी इसे कर सकते हैं, बट मेरे ख्याल से ज्यादा बेटर ये है आप इस तरीके से करें, वो ज्यादा आपको सूटेबल होगा, ठीक है। तो ये रेसिप्रोकल मेथड से नहीं, इस मेथड से आप इसे कर सकते हैं। तो इतना स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे चलते हैं बच्चों। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ, क्या प्रॉपर्टीज ऑफ पढ़ेंगे आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन, जिसमें हमारा कॉमोटेटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, सॉरी कॉमोटेटिव एसोसिएटिव डिस्ट्रीब्यूटिव, इस तरीके की प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे। तो सभी बच्चों को आगे हम देखते हैं, चलिए। तो सभी बच्चों को मेरा राम राम,